हेलो गुड मॉर्निंग साथियों आज की अगर बात करते हैं तो काफी चर्चा में रहने वाला बिंदु था उत्तर प्रदेश में दो चाइल्ड पॉलिसी यानी कि जब बच्चों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सबकी यही मान्यता होती है कि बच्चे तो भगवान का स्वरूप है इसमें कोई हमारी मेहनत का स्वरूप ना होता है बल्कि बच्चे क्या होते हैं भगवान के रूप होते हैं अब अगर जो इसी बिंदु की बात करते हैं तो सरकार इसके ऊपर थोड़ी सी लगाम कसने जा रही है क्यों क्योंकि काफ़ी दुविधाएं इसके लेकर के देखने में ली हैं अगर जो इसकी बात करते हैं तो आखिर सरकार को जरूरत क्या पड़ी ये पॉलिसी लाने के लिए एक एक बिंदुओं को क्रम से समझते हैं उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे जो यूपी स्टेट ला कमीशन है उस स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष आपके अरविंद नारायण मित्तल इन अरविंद नारायण मित्तल की जब बात करते हैं तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है कि किस तरीके से हम अपने प्रदेश में दो तो बच्चों की पॉलिसी को एक तरीके से लागू करें उसके ऊपर आधारित करते हुए आप क्या करिए एक ड्राफ्ट तैयार करिए और उसके बारे में जो प्रमुख चीजें हैं कैसे कैसे क्या करना है उसको प्रमुखता से संदर्भित करिएगा मूल अगर बात करते हैं तो ये टू चाइल्ड पॉलिसी लाने का आखिर कारण क्या है तो सरकार ने जो एक मुख्य बिंदु देखा है वो देखा है आप भी जानते हैं कई सारी चीजें देख मिलते हैं जिसमें अगर बात करते हैं तो हमारे प्रदेश की जो वर्तमान जनसंख्या है वो है उन्नीस करोड़ उन्नीस करोड़ बार लाख बारह हजार तीन सौ इकतालीस लगभग लगभग बीस करोड़ जनसंख्या है अब इस जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे डॉक्टरों की कमी बड़े स्तर पे है क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भगवान का स्वरूप थे अब उनकी अगर बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पे अगर बात करते हैं तो एक हजार व्यक्तियों के ऊपर इनकी संख्या केवल केवल जीरो है कह सकते हैं कि बिल्कुल निचले स्तर पे है तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं इससे क्या होती है गड़बड़ा जाती है इवन अगर बात करते हैं तो ऐसा प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में 2022 में जो यूपी की जनसंख्या होगी वो लगभग लगभग 24 करोड़ हो जाएगी तेईस दशमलव छिहत्तर करोड़ हो जाएगी तो इस जनसंख्या को कैसे हम एक तरीके से सेट करें हालांकि अगर जो हम बात करते हैं डब्ल्यू आप भी जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि जो जनसंख्या होती है यानी कि कम से कम एक हजार व्यक्तियों पे एक संबंधित डॉक्टर तो होना ही चाहिए उस डब्ल्यू की गाइडलाइन की अपेक्षा हमारी जो जनसंख्या है वो क्या है कम है डॉक्टरों को लेकर के केवल केवल आप देख सकते हैं आधे परसेंट से भी क्या है इनकी संख्या कम है ध्यान रखिएगा जनसंख्या का संदर्भ आजकल चुकी क्यों बढ़ रहा है आप भी जानते हैं मेडिसिन चारों तरफ उपलब्ध है हमारे यहाँ पे जो एम एम आर होता है मदर मटिलिटी रेट की जब बात करते हैं तो वो भी काफी बढ़ चुकी है साथ ही साथ सॉरी उसकी संख्या घट चुकी है इसके अलावा अगर बात करते हैं चाइल्ड फर्टिलिटी रेट की तो वो क्या हो गई है अब बढ़ गई है अगर जो बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा दो हजार में जो आपका यहाँ पे चाइल्ड के संदर्भ में जो आपकी फर्टिलिटी रेट थी खास करके मम्मी के बच्चे जनने की बात करते हैं तो वो देखने मिलता है तीन दशमलव आठ परसेंट हालांकि अब अगर जो बात करते हैं तो अब देखने मिलता है 2015-16 में इनकी संख्या दो दशमलव सात परसेंट सरकार ये मानती है कि अगर जो आप दो व्यक्ति हैं अगर जो दो व्यक्ति जनसंख्या को बढ़ाती है तो उस जनसंख्या का संदर्भ क्या होगा कहीं ना कहीं दो ही बच्चे जनने चाहिए लेकिन अगर जो आप दो से तीन करते हैं तो फिर से वही कंडीशन होती है कि आपकी संख्या क्या होगी क्रम से बढ़ती जाएगी पीछे आपने देखा भी होगा कि एक देश था चाइना चाइना की जनसंख्या विश्व में सबसे बड़ी है उसने इसको लगाम लगाने के लिए एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी एक बच्चे की नीति लाई थी हालांकि उसकी रणनीति कहीं ना कहीं फेल हो गई है अब चाइना की सरकार तीन बच्चों की पॉलिसी लेकर के आ रही है कि आप क्या करिए तीन बच्चों को पैदा करिए और उसके लिए वो प्रोत्साहित भी करेंगे क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है और मोटिलिटी रेट की जब बात करते हैं तो ये भी काफी वृहद रूप में है तो इसको कैसे कम किया जाए उसी के नाते यह आपकी स्कीम विशेषते लाई गई है अब इस पे कैसे हम लगाम कसेंगे तो उसके लिए सरकार ने कुछ बिंदुए प्रमुख रूप से किया है उससे पहले ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार सरकार के अलावा जो असम की है 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 वो भी इस परिपेक्ष में क्या कर रही है, बात कर रही रही बात अगर जो बात करते हैं तो कैसे ये दो बच्चा पॉलिसी लागू होगी उसके लिए सरकार ने कुछ लगाम कसने के जो प्रमुख बिंदु अपनाए हैं उसमें अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि जिन बच्चों जिन लोगों के पास खास करके जिन परिवारों में दो से अधिक बच्चे होंगे तो उनको सीधे तौर पर जो सरकारी सुविधाएं होती हैं जैसे आपका राशन कार्ड हो गया जो आपके गैस कनेक्शन हो गए बिजली की बात हो गई या सरकार के द्वारा बिनने वाले जो आपके अलग अलग लाभ होते हैं उनको हम क्या करेंगे सीधे तौर पे नहीं देंगे इसके अलावा राशन की जब बात करते हैं यानी कि जो सब्सिडी मिलती है आपको अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के द्वारा उसको भी रोकने की क्या करेंगे कहीं ना कहीं बात करेंगे और इसके साथ ही अगर जो बात करते हैं तो सरकार ये भी कह रही है कि हम सीधे तौर पर उन लोगों को सरकारी नौकरियों में भी नहीं रखेंगे जिनके पास क्या होगे दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो इस से लगाम लगाने के लिए सरकार ने विभिन्न बिंदुओं का सहारा लिया है जिससे कहीं ना कहीं सके अगर लागू हो चुका है हालांकि लागू करने के बाद भी यहां पे संख्या तेजी के साथ बढ़ी है अगर जो देख पाए तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश में यह नीति दो में लागू की गई जबकि जनसंख्या की रेट जो बढ़ी वो बीस दशमलव तीन पांच से बढ़ी राजस्थान की जब बात करते हैं तो वहां पे 2002 में नीति लागू की गई जनसंख्या इक्कीस दशमलव तीन एक परसेंट से बढ़ी महाराष्ट्र में यह नीति 2005 में लागू की गई और जनसंख्या पंद्रह दशमलव नौ नौ परसेंट से बढ़ी गुजरात की जब बात करते हैं तो वहां पे 2005 में यह नीति लागू हुई और इसके आधार पे यह उन्नीस दशमलव दो आठ परसेंट से बढ़ी तो ऐसी बात नहीं है कि यह नीति लगाई गई और जनसंख्या कम हो गई यह नीति लगाने के बाद भी कई सारे राज्य ऐसे हुए जो कहीं ना कहीं फिसअडी शामिल हुए अगर बात करते हैं तो आपका कई सारा राज्य जिनमें प्रमुख है मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो यहां पे यह नीति दो से ही लागू

इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो राजस्थान यहां पे भी ये नीति 2002 में लागू की गई राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल उन्नीस के सेक्शन तिरपन ए के अंतर्गत इसकी जब बात करते हैं तो यहां पे बताया गया कि अगर जिन सरकारी बाबुओं के क्या होते तीसरे बच्चे का जन्म हो जाता था तो उनको समय से पहले रिटायर भी कर दिया जाता था हालांकि अगर बात करते हैं तो साल दो में नौकरियों में प्रमोशन के अंतर्गत क्या किया गया था इस नियम को हटा दिया गया है लेकिन रिटायरमेंट का जो नियम है उसको पहले से ही लागू रखा गया है महाराष्ट्र देश की जब बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल 2005 के अंतर्गत यह कानून लागू है जहां पे अगर जो कोई व्यक्ति क्या करता है ज्यादा बच्चों को पैदा करता है तो वहां पे भी क्या होगा उसको सरकारी नौकरियों के लिए अपात्र माना जाता है महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो ये नियम तो हालांकि नियम चल रहा था लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति की जब बात करते हैं तो वहां पर भी यह कानून लागू किया गया कि अगर जो किस व्यक्ति के पास दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको हम क्या करेंगे जो लोकल बॉडी होती है जो आपके इलेक्शन होते हैं ग्राम पंचायत और म्यूनिसपल

साथ अगर बात करते हैं तो ओडिशा में भी जिला परिषद से संबंधित जो आपके चुनाव वगैरह होते हैं उसमें भी यही नियम लागू होता है पैरलर को बात करते हैं तो असम में भी नौकरियों को लेकर के ही इस तरीके से एक नियम लगाया गया है जिसमें दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको क्या किया जाएगा इस तरीके से वंचित रखा जाएगा तो सरकार की भी यही मंशा है कि जिस तरीके से पैरलर आपके कई सारे राज्यों में नियम नियम लागू है, नियम लागू है हालांकि होने के बाद भी हम देख पा रहे हैं कि जनसंख्या की ग्रोथ क्या हो रही है बड़े तेजी से बढ़ रही है इसमें कोई संख्या कम ना हुई है अब उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात करते हैं तो इस सरकार का भी मानना है कि हमें जनसंख्या अगर जो इसका दबाव कम करना है क्योंकि आप भी जानते हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है और की पॉलिसी का सहारा लेते हुए यह कहीं ना कहीं इसकी संख्या को कम करने की बात कर रहा है और उसी परिपेक्ष में दो बच्चों की पॉलिसी लाई जा रही है जिसको लेकर के चुकी लोग इसको तेजी के साथ एडॉप्ट करें उसमें खास करके चूंकि सरकारी तंत्र ही इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसको क्या कर सकते हैं हम यहां पे उसके सहारे इसमें कटौती कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख बिंदुओं का सहारा ये सरकार क्या करेगी प्रमुखता से लेगी ठीक है तो आज की क्लास के लिए यहीं तक मिलते हैं बाकी ध्यान रखिएगा अगर जो कोई नई जानकारी होगी तो पुनः आपके साथ क्या करेंगे शेयर करेंगे और ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में अगर जो कोई अनोखी जानकारी या कोई निश्चित सूचना पाना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जामपुर का जो आपका मेन चैनल है वो रात को नौ बजे उत्तर प्रदेश जी के स्पेशल की एक क्लास लगवाता है जिसमें एक घंटे की क्लास में आपको सारी जानकारी शुरू से लेकर के अंतिम तक दी जाती है तो उस क्लास में जरूर जुड़िए और अपनी जो क्यूरियसिटी होती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्लासेस समझ में आती है तो इसको लाइक भी करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें थैंक यू ऑल द बेस्ट